अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसके टीवी न्यूज और शहरों की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुमैया खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। एफआईए साइबर क्राइम, कराची ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेडियम रोड पर वाकया एक मारूफ अस्पताल के साबिक मुलाजिम जो की अस्पताल की इंतजामिया और मुलाजिम खवातीन और दीगर स्टाफ को नाजे पर तस्वीर और वीडियो भेज कर ब्लैकमेल कर रहा था को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम कराची को स्टेडियम रोड पर वाकया एक मारूफ अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से शिकायत मिली कि कोई शख्स इंतजामिया अस्पताल की खवातीन और दीगर स्टाफ को हती के खवातीन मुलाजिम के रिश्तेदारों को जैली फेसबुक आईडी और नामालूम व्हाट्सएप नंबरों से नाजे पर तस्वीर वीडियो और ब्लैकमेलिंग मैसेजेस भेजता है। सिंध के कहत साली के शिकार जिला थरपार करके शहर छाछरू के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी चमगादड़ों ने यलगार कर दी। चार से पांच फुट बड़ी हैबतनाक चमगादड़ों से इलाके में खौफो हरास फैल गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुल्तान का कहना है कि अपोजिशन ने कोरोना पर मनफी सियासत करके हुकूमत को तकसीम करने की नाकाम कोशिश की। कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। उस्मान बुल्तान ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब साबित हुई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ईद पर एहतियाती तदाबीर पर अमल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को अब चुप का रोजा रख लेना चाहिए। PIA ने अंदरूने मुल्क मजीद रियायती किराया मुतारिफ करा दिया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि अंदरूने मुल्क किराया में तारीखी कमी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। कराची में बारिश के बाद शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और बाज़ इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसके सबब शहरियों ने रात परेशानी की हालत में गुजारी। शहरी कायद में गुलशन इकबाल ब्लॉक 15, 16 और 17 में रात 10 बजे से बिजली मुअत्तल है। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sktvnews.com और हमारे साथ रहिए।